हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख रखा है कि आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ, वो भी टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है बाबू, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में हम बात करेंगे कि आखिर सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या रहेगा, प्रॉपर यूआर रैंक कितने रैंक तक आपको मिल जाएगा, अप्रॉक्स इतना रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्स इतना कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। सो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं उनको पसंद नहीं आता है। भाई मत देखो, अब मैं आपके लिए कोई जवाब नहीं है। आप गलत कमेंट भी करोगे तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बाकियों की तरह मैं पैसा लेके आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल फ्री में सारा चीज बताता हूं, करता हूं, कोई फ्रॉड नहीं, सारा चीज कोई ये नहीं। ठीक है, सो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में बीसीईसी के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो कितना रैंक होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टॉप 1 पे आता है एमआईटी मुजफ्फरपुर। ठीक है बाबू, एमआईटी मुजफ्फरपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है सिविल इंजीनियरिंग में, तो अगर आपका यूआर रैंक, ठीक है, अगर आपका यूआर रैंक 1 से 50 के बीच में है, ठीक है, 1 यूआर या फिर 50 यूआर के बीच में है, तो आपको वहां पे ज्यादातर चांस है कि एमआईटी में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, एमआईटी में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा अगर आपका 1 से 50 के बीच में रैंक है तब। ठीक है, अब हम दूसरा कॉलेज की बात कर ले तो बीसीई भागलपुर में सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों कॉलेज में टक्कर बहुत ज्यादा चलता है बाबू। ठीक है, दोनों ही अच्छा कॉलेज है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, सो इसका भी 50 रहेगा, इसका भी 50 रहेगा, यूआर रैंक कितना है, तो ये दोनों कॉलेज आपको मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है, जैसे 50 है तो 60-70 जा सकता है, उनको मिल सकता है। ठीक है, एंड अगर हम बीसीई बख्तियारपुर की बात करें तो यहां पे आपको 1 से 300 के बीच में रैंक है तो मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन होगा, भैया बीसीई बख्तियारपुर में 300 तक मिलेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू ये बिल्कुल ही अच्छा कॉलेज है और ये पटना के नजदीक है, इस वजह से इसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है। तो बीसीई भागल बख्तियारपुर में आपको 300 तक रैंक है तो मिल जाएगा। अब गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो 1 से 700 के बीच में जिनका यूआर रैंक है उनको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और देखो मैं ये जो भी डाटा बता रहा हूँ बाबू अप्रोक्स है, ठीक है, अप्रोक्स लगभग इतना जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप यही दम लखीर बना लेना, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग इतना जा सकता है और समथिंग जाता ही है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं 2021 में ही अपना जैसे बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो उस समय बहुत ही जैसे मेरा खुद का रैंक अगर हम बताएं तो यूआर रैंक मेरा 2000 था और कैटेगरी रैंक की अगर हम बात करें तो कैटेगरी रैंक में मेरा 1090 था। ठीक है, जिसमें से कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी, जिसके कारण मुझे कॉलेज मतलब कि मैंने खुद अपना ईगो पे लेके बेकार कॉलेज ले लिया था, लेकिन इसलिए मैं बताता हूँ आप सभी को ताकि आप भी ये गलती ना कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे देखो दुनिया में सबको सब चीज अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत लोग कमेंट करते हैं गलत गलत, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, पहले ध्यान देता था, बट अब बोलता हूँ यार बोलते रहो कोई नहीं, मैं सही बता रहा हूँ तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं बताता हूँ। जब भी आना रहेगा आपका बीसीसी का अलॉटमेंट लेटर जरूर आएगा, अप्रॉक्स एक ये भी बनता है कि आपका फिर से चॉइस फिलिंग करवाया जाए, ये चांसेस बनते हैं, अब देखो क्या होता है। ठीक है, सो आगे आगे छोड़िए ये सब बात हटाई, आगे हम लोग बात करते हैं। अब एनसीई चांडी की अगर हम बात करें टॉप 5 में आता है एनसीई चांडी की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपका एडमिशन लेना है तो अगर आपका यूआर रैंक 1 से 700 के बीच में है तो बाबू आपको मिल सकता है। कितना रहना चाहिए? 1 से 700 के बीच में अगर आपका यूआर रैंक है तो आराम से मिल जाएगा। अब एलएनजीपीटी छपरा की बात करें तो छपरा में आपको 1 से 1200 के बीच में मिल जाएगा। 1 से 1200 के बीच में है तो एलएनजीपीटी छपरा आपको आराम से यहां पे सिविल मिल सकता है, आप ट्राई कर सकते हो, मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादातर है। ठीक है, अब एमसीई मोतिहारी में बात करें तो 1 से 1200 के बीच में है तो आपको एमसीई मोतिहारी मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डीसी दरभंगा की बात करें तो यूआर रैंक जिन बच्चों का 1200 तक है तो उनको दरभंगा मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। देखो ये जब भी कटक में बता रहा हूं, हजार बार मैं बोल रहा हूं कि अप्रॉक्स इतना जा सकता है, आपका 1500 तक यूआर रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो ये सब कॉलेजेस में सिविल। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका यूआर रैंक 50 है तो आपका कैटेगरी रैंक ऑब्वियसली सी बात है कम बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा, 15 बनेगा, 20 बनेगा, जिसके कारण आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में
अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आपका 1200 रैंक है, अगर यू आर रैंक 1200 है तो कैटेगरी रैंक 300 400 ऐसे करके बनेगा, 500 बनेगा, जिसके कारण आपको कैटेगरी रैंक से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यू आर अगर इतना है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम बात करें बीपीएमसी मधेपुरा का, तो यहाँ पे आपको 1 से अगर 1500 के बीच में यू आर रैंक है तो इजिली मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट नहीं तो सेकेंड राउंड में इतना तक बच्चों को मिल जाएगा। अगर हम 10 टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, 10वां में आता है आपका केसीई कटिहार, जिसमें कि आपका अगर यू आर रैंक 1 से 1500 के बीच में है तो आपको कटिहार मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये डाटा है जो कि आपको अगर इतना रैंक है तो आपको बिहार इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को सारा चीज समझ में आ गया होगा। सारा चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये डाटा आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आप याद रखना और देखना यही कट ऑफ जाएगा, इतना ही अप्रॉक्स रैंक रहेगा तो आपको मिल सकता है। क्योंकि देखो अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि फिर से चॉइस फिलिंग हो सकता है, मे भी देखो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गया, अब आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप सभी को सारा चीज समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियो सारे ब्रांचेस के आने वाले हैं, धीरे धीरे करके आएगा। मैं पहले थोड़ा दिन कुछ दिन बिजी था, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब डायरेक्ट आपका हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।